नाज़रीन ये देखें, ये अभी से खतरे की घंटी बज रही है। ये महंगा शौक है, लेकिन शौक जो है ना, शौक कहते नहीं है कि शौक का कोई मूल नहीं है। तो जिस बंदे को शौक हो और नियत साफ हो तो सब मैनेज हो जाता है। और जो दूसरा आप कह रहे हैं ना कि ये जो बड़ा दिल होना चाहिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहादुर बंदे का ये काम है। तो ये कमज़ोर दिल वाला बंदा जो है ना, ये बिल्कुल नहीं दौड़ा सकता। ये जो है ना, जो शौक है ना, ये गिरने से ख़त्म नहीं होता। ये जो सवार ही तब बनता है जब बंदा गिरता है। तो इस वजह से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको शौक हो वो पूरा कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, ज़िंदगी का आज पहला तजर्बा है, घोड़े के ऊपर बैठा हूँ और आज नेज़ाबाजी के मुकाबले हो रहे हैं और पूरे पंजाब से खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं और घोड़ों की रेस है और किला उठाया जा रहा है, पॉइंट उठाया जा रहा है, जो जीता है उसको 4 नंबर दिए जाते हैं। मेरे साथ इरफान अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और खिलाड़ी हैं, इनके घोड़े हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, जहाँ पे भी जाते हैं तो मुकाबले जीतते हैं। इनसे बात करते हैं कि इतना महंगा शौक कैसे पैदा हुआ, क्योंकि गरीब आदमी तो इतना महंगा शौक नहीं कर सकता, मगर ये तो अमीर बंदे हैं। इनसे बात करते हैं कि शौक कैसे पैदा हुआ। इरफान मुझे बताइएगा, इतना महंगा शौक है और ये जो सवारी है, कमज़ोर दिल वाला बंदा इस सवारी को नहीं चला सकता, जिसका बड़ा दिल है वो इसको चला सकता है, ठीक है, घोड़े को। तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हसन भाई? ठीक है जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये महंगा शौक है, लेकिन शौक जो है ना, शौक कहते नहीं है कि शौक का कोई मूल नहीं है। तो जिस बंदे को शौक हो और नियत साफ़ हो तो सब मैनेज हो जाता है। और जो दूसरा आप कह रहे हैं ना कि ये जो बड़ा दिल होना चाहिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहादुर बंदे का ये काम है। तो ये कमज़ोर दिल वाला बंदा जो है ना, ये बिल्कुल नहीं दौड़ा सकता। अच्छा, अभी अभी आपको भी शौक पैदा हुआ, कुछ अर्सा हुआ है जब अब तक, जहाँ तक मैंने आपको देखा, तो आपने कहाँ से राइड करना सीखा, किस उस्ताद से सीखा? जी जी, मैंने उस्ताद जीवन हयात झम्मट हैं, हमारे मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने सीखा है। मुझे भी 2-3 साल ही हुए हैं, तो अब मैं प्रॉपर जो है ना, ये मेले दौड़, तो हम वो हमारे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। और एक हमारे भाई हैं रहमानुल्लाह खान, अल कबीर रवान क्लब के, वो भी हमारे सीनियर ही हैं, मैं उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो जब आपको ये शौक पैदा हुआ, आप मेलों में जाते होंगे और आप देखते होंगे यार, मुझसे भी कम उम्र के लोग हैं, वो घोड़े के ऊपर सवार हैं और किला उठा रहे हैं, पॉइंट उठा रहे हैं, तो मैं भी शौक करता हूं, तो खुदा ना खास्ता इंसान गिर भी जाता है। और काफ़ी लोग मैंने देखे हैं ऐसे, जो स्पीड में होता है घोड़ा, तो ऐसे नीचे जब होते हैं तो किला नहीं उठा सकते, वो पॉइंट नहीं उठा सकते, तो गिर जाते हैं नीचे। तो आप कितनी बार गिरे हैं? मैं भी 2-3 बार गिरा हूँ। तो ये जो है ना, जो शौक है ना, ये गिरने से ख़त्म नहीं होता। ये जो सवार ही तब बनता है जब बंदा गिरता है। तो इस वजह से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको शौक हो वो पूरा कर लेता है। जब आप गिरे हैं तो कैसे गिरे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? अगर थोड़ा सा घोड़ा साथ कर लें तो हमारी आवाज़ आप तक अच्छी पहुंचेगी और नाज़रीन जो सुनने वाले हैं उनको भी आवाज़ पहुंच जाएगी। तो कैसे गिरे आप? मैं एक बार गिरा हूँ, एक बार मेरी गलती थी और एक बार घोड़ा भी ऐसा था, थोड़ा शरारती घोड़ा था, उस वजह से मैं गिरा हूँ। तो मैं बिल्कुल नीचे जा के गिरा हूँ, तो इतनी चोट वगैरह नहीं लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई थी। घर वालों ने कहा नहीं भाई, ये इतना ख़तरनाक घोड़ा है और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं और मुकाबले में जा रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ आपको हो जाए तो फिर क्या बनेगा? जी जी, घर वाले मना करते हैं, लेकिन बस ये शौक है, कुछ नहीं होता, ये इंशाल्लाह जो है ना, अब प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि अब बंदा, अब मैं नहीं गिरा, काफ़ी अरसे से नहीं गिरा, पहले गिरा था, शुरू में ये होता है ऐसे, तो इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, बैलेंस नहीं बंदा रख सकता, तो इस वजह से मेरा बैलेंस जो है ना, अनबैलेंस हो गया था। अच्छा, ये जो सीट कहते हैं इसको क्या कहते हैं, जिसके ऊपर बैठे हुए हैं? सैडल कहते हैं। सैडल, अच्छा सैडल कहते हैं इसको, ठीक है, जो सुनने वाले हैं वो उनको भी पता चलेंगे इंग्लिश में, तो हर बंदा इंग्लिश में, हाँ, काठी भी नाज़रीन को कहा जाता है, सैडल भी कहा जाता है इनको, तो ये कैसे इसको मैनेज करते हैं आप? जी जी, ये सैडल है, जो मेन जो सवार है सैडल पर बैठता है, उसकी रकेब्स होती हैं, उनको एडजस्ट करना होता है, और ये रेंस हैं, लगाम वगैरह, इनसे घोड़े को कंट्रोल करना होता है। तो ये बस ये मेन चीज़ें यही हैं, घोड़े के जो है ना लगाम है, ये जैसे स्टेयरिंग नहीं होता गाड़ी का, ये है मेन, तो इससे घोड़ा कंट्रोल होता है, इसी से दौड़ता है, राइट लेफ्ट इसी से होता है घोड़ा।
अच्छा, जब अभी मैं देख रहा था तो काफ़ी घोड़े आ रहे थे, स्पीड में आ रहे थे, तो वो जब उठाते हैं पॉइंट उठाते हैं कि जो पॉइंट कहते हैं ना उसको, किला, हाँ हैक कहते हैं उसको, तो घोड़ा थोड़ा सा स्पीड घोड़े की स्लो हो जाती है, वो कैसे स्लो करते हैं यकदम, कैसे स्लो करते हैं स्पीड से स्लो हो जाती है? ये जो है ना, ये घोड़ों पे डिपेंड करता है, कोई घोड़ा होता है स्पीडर घोड़ा होता है, कोई नॉर्मल घोड़ा होता है, ये फिर सवार पे डिपेंड करता है वो उसको कितनी तेज़ी से दौड़ाता है। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना आके स्लो होता है, क्योंकि वो सवार का बैलेंस जो है ना एक साइड पर चला जाता है, तो इस वजह से घोड़ा अनबैलेंस होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता, ये कवरेबल होता है। अच्छा, ये देखें ना, ये जो पाँव मैंने रखे हुए ऊपर, नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, अगर एक पाँव ये ऐसे हो जाए, इंसान बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है, तो वो फिर कैसे होगा? उसका गाड़ी से पादक घोड़े का गिरने का भी खतरा तो होता है ना फिर? जी जी, ऐसे ही है, लेकिन मैनेज हो जाता है बंदे का बैलेंस जो है ना, ये प्रैक्टिस कर करके मैनेज हो जाता है, केब की सेटिंग होती है, बैलेंस जो है ना, फिर दूसरी जो बंदे की लात है टांग, उससे ये मैनेज हो जाता है, कंट्रोलेबल है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका बैलेंस रिदम मैच हो जाएगा। नाज़रीन ये देखें, ये अभी से खतरे की घंटी बज रही है, तो मैं कहता हूँ कि हिम्मत इनकी है, खिलाड़ियों की है, जब इनको ये देखें ये आपस में अभी लड़ रहे हैं, देखें दोनों घोड़े हैं ये, और है तो बड़ा शरीफ घोड़ा, पता नहीं क्या हो गया इसको, खड़े खड़े शरारतें करनी शुरू कर दी हैं। और इरफान ये देखें अभी से खतरे की घंटी बजा रहे हैं ये, तो आप लोग कैसे यार मैनेज करते? मैं तो बड़ा हैरान हो गया, मैं अभी बैठा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ इसके ऊपर, तो मुझे खुद डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ऐसे जंप ऐसा करें मैं नीचे गिर जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप असल में फर्स्ट टाइम बैठे हैं, तो इस वजह से आपको फील हो रहा है, जब आप रेगुलर बैठेंगे तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप भी बैठे थे आपको भी पहले खतरा था इस तरह का? जी जी, ऐसे ही बिल्कुल, शुरू में ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, अभी भी हमारे दोस्त बैठते हैं तो वो ऊपर कांप रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया, अब जब हमारी आदत हो गई, ये प्रैक्टिस है, रेगुलर गेम करते हैं, तो कोई मसला नहीं है ये। नाज़रीन अभी ये इरफान भाई जा रहे हैं, क्योंकि इनकी अभी बारी आने वाली है, और ये दौड़ाएंगे घोड़ा और देखते हैं कि ये किला उठा पाते हैं नहीं पाते। इरफान भी आपके भी अब बुलावा आने वाला है, तो क्या कहेंगे? बस आप दुआ करना इंशाल्लाह, अब आड़ी राउंड है, पहले होता है फट्टा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ये जो आड़ी होती है उसकी चौड़ाई जो है ना वो कम होती है, तो ये थोड़ा टफ राउंड है हमारा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, दुआ करना आप। आपको आप जैसे बता रहे थे कि मुझे 2-3 साल हो गए हैं, और अभी तक कितने आपने कॉम्पिटिशन जीते हैं? मैं असल में ज़्यादा मैं कॉम्पिटिशन में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन 1-2 मेले में आया हूँ मैं सेकंड पे। अच्छा इरफान, जो नए लोग हैं, जैसे आप भी नौजवान हैं, और नौजवान जो देख रहे हैं उनको भी शौक पैदा हो रहा होगा, यार इरफान ने 2-3 सालों में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हमें भी शौक अगर पैदा किया जाए और इस तरह आगे आना बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? जी बिल्कुल, ऐसा ही है, मेरे जो जितने भी दोस्त हैं उनको भी काफ़ी शौक बढ़ रहा है, उनको अब पता है कि घोड़ा क्या होता है, घोड़े की कितनी किस्में हैं, कौन से नस्ल के घोड़े हैं, सैडल है, कहाँ पर इवेंट है, अब उनको भी शौक बढ़ता जा रहा है उनका, आहिस्ता आहिस्ता ना, इस वजह से। नाज़रीन आपने इरफान की बात सुनी, और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।